नहीं, मोबाइल भी लगाना था चार्जिंग के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हेडिंग दीजिए विस्कोसिटी मीजरमेंट। विस्कोसिटी मीजरमेंट और मीजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, मीजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। तो बेसिकली देयर आर फोर मेथड्स टू मेजर द विस्कोसिटी। नंबर फर्स्ट, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड। चार मेथड्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है उसमें रोटेटिंग सिलेंडर मेथड। रोटेटिंग सिलेंडर मेथड, रोटेटिंग सिलेंडर मेथड लिख लीजिए। दिस इज, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं। दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बस इतना सा ही पढ़ना है इसके बारे में। पूछा जाएगा कि रोटेटिंग सिलेंडर मेथड में विस्कोसिटी कैसे मेजर करते हैं, तो दिस इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। बस इतना सा ही इसके बारे में आपको बताना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है ना ज्यादा जानना है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। तो रोटेटिंग सिलेंडर मेथड इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। सेकेंड वन, फॉलिंग स्फेयर मेथड। सेकेंड वन इज फॉलिंग स्फेयर मेथड। फॉलिंग स्फेयर मेथड, ये फॉलिंग स्फेयर मेथड है। दिस इज बेस्ड ऑन स्टॉक्स लॉ। ये स्टॉक्स लॉ पर बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन स्टॉक्स लॉ। अब इसको थोड़ा सा जानेंगे मामूली सा कि स्टॉक्स लॉ क्या होता है। स्टॉक्स लॉ देखिए ये कहता है कि अगर कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर फ्रीली नीचे की तरफ गिर रहा है, जैसे ड्रॉप आप, जैसे ड्रॉप फॉल करती है, तो ये कहते हैं कि ड्यूरिंग फॉलिंग जैसे जैसे इस पर नीचे की तरफ एम जी फोर्स लगा हुआ है, इसका ग्रेविटी फोर्स, बॉडी फोर्स, तो इस ग्रेविटी की वजह से इसकी वेलोसिटी लगातार नीचे की तरफ बढ़ती रहेगी। समझ लीजिए, खाली पूरा वैसे लिखाना नहीं है मुझे, बस समझाना है, समझा रहा हूं। क्या होगा, लगातार वेलोसिटी नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी। किस रेट से बढ़ेगी, जी के रेट से। एक्सेलरेशन क्या होगा इसकी वेलोसिटी के बढ़ने का, जी। जैसे जैसे वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी तो अब थ्रस्ट का जो रिएक्शन है वो भी बढ़ेगा। जो नीचे फ्लूड है कोई भी, जैसे अगर कोई ड्रॉपलेट है तो एयर में गिर रही है, तो वहां पर फ्लूड क्या है, एयर, तो एयर का अब थ्रस्ट भी उस पर साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। अगर यही कोई स्फीयर गिर रहा हो तो किसी लिक्विड फ्लूड में, तो वह उस लिक्विड फ्लूड का उस पर ऊपर की तरफ अब थ्रस्ट बढ़ता जा रहा हो। अब थ्रस्ट जो है, एक तो होता बॉयंसी उसकी, एक तो होता उसका बॉयंट फोर्स, और एक जिस फ्लूइड में गिर रहा है तो उस फ्लूइड को वो चीरता हुआ नीचे गिरेगा, तो उसकी विस्कोसिटी की वजह से भी उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो इसके इसी कपलिंग की वजह से हम विस्कोसिटी मेजर कर पाते हैं। तो यहां बेसिकली एक टर्म आता है कि व्हेन फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई गिर रही होती है तो आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ रही नहीं होती है, कांस्टेंट हो जाती है। आफ्टर सम टाइम फ्रीली फॉलिंग ऐसे स्फीयर की, अब स्फीयर का मतलब ये नहीं कोई बहुत भारी सी बॉडी हो, उसकी नहीं कांस्टेंट हो जाएगी, हल्की फुल्की जो ड्रॉप्स हैं इनकी, इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट, फिर लगातार बढ़ नहीं रही होती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम, टर्मिनल वेलोसिटी। तो लिख लीजिए यहां पर हेडिंग दीजिए इसमें सब हेडिंग, पहले टर्मिनल वेलोसिटी। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इसी तो मैं कह रहा था, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, करनी पड़ेंगी टर्मिनल वेलोसिटी। जी पूछिए। अभी आज लिखेंगे उसको, स्टॉक्स को लिखेंगे पहले, ये बीच की चीजें तो पढ़ लेना, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख ही देंगे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे,
वो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे, है ना। तो टर्मिनल वेलोसिटी पहले पढ़ा दें, तो लिख लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी इसमें, द वेलोसिटी अचीव्ड बाई, द वेलोसिटी अचीव्ड बाई फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी इन अ फ्लूइड व्हेन फ्री फॉलिंग बॉडी व्हेन ड्रैग फोर्स ऑन द बॉडी, ड्रैग फोर्स ऑन द बॉडी become equal to, drag force on the body become equal to body force plus बॉडी फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स यानी इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो कि ड्रैग फोर्स इक्वल टू, ड्रैग फोर्स इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स, एक ग्रेविटी बॉडी फोर्स को ग्रेविटी फोर्स या ग्रेविटी फोर्स को बॉडी फोर्स, या यूलर्स इक्वेशन लिखाया था, बताया भी था ये चीज कि ग्रेविटी फोर्स को ही बॉडी फोर्स कह देते हैं और बॉडी फोर्स को ही ग्रेविटी फोर्स कहते हैं, जब यूलर से इक्वेशन पढ़ाया था बताया भी था। तो ड्रैग फोर्स विल बिकम इक्वल टू ग्रेविटी फोर्स प्लस बॉयंसी फोर्स या फोर्स ऑफ बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स। तो उस वक्त जो वेलोसिटी होती है उस कंडीशन की वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है ना। जब यह कंडीशन अराइज हो जाएगी तो उस वक्त जो इस फ्री फॉलिंग बॉडी की जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को कहेंगे, हो सकता है वो वी नॉट से रिप्रेजेंट कर दे उसे, उस वेलोसिटी को कहेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। जैसे मैंने कहा कि व्हेन बॉडी स्टार्ट फॉलिंग देन इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज विद ग्रेविटी, फ्री फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी किस रेट से इंक्रीज करेगी, विद ग्रेविटी, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड। बट जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी वैसे वैसे उस पर आपका क्या लगेगा, ग्रेविटी फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, बॉयंसी फोर्स उसको ऊपर की तरफ थ्रस्ट कर रहा होगा। तो एक कंडीशन आएगी कि उस पर ड्रैग फोर्स जो बराबर हो जाएगा उसका ग्रेविटी फोर्स प्लस बॉयंसी फोर्स के, तो उस वक्त जो है उसकी वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी से गिर तो रही होगी लेकिन वो फर्दर फिर बढ़ नहीं रही होगी, कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी से तो गिर रही होगी वो किसी से, लेकिन फर्दर वो फिर बढ़ नहीं रही होगी। इसका ही फायदा ये है, अदरवाइज जितनी हाइट से हमारी ड्रॉप्स आती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जितनी हाइट से आती हैं, अगर ये इतने हाइट से आती हैं और अगर इनकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती रहती होती, अगर यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी वाला कंसेप्ट नहीं हो रहा होता तो वाटर की ड्रॉपलेट्स में इतनी पावर होती कि अगर हमें स्ट्राइक करती तो हमारे हेड में ये होल कर देती। अगर आपने सुना हो तो वाटर जेट कटिंग मशीन प्रोसेस होती है, इतना स्पीड से चलता है कि वो आयरन को कट करता है ना। तो ये इतनी स्पीड से आती कि हमारे हेड को पेंट्रेट कर देती, मर जाते हम लोग, जैसे ओले कर देते हैं, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनल वेलोसिटी कंसेप्ट। क्योंकि उनकी वेलोसिटी एक वक्त तो बढ़ती है जैसे बादलों से नीचे गिरती है, तो बट आफ्टर सम टाइम ड्यू टू दिस टर्मिनल वेलोसिटी कंसेप्ट उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कॉन्स्टेंट, फर्दर नहीं बढ़ती, और वो फिर एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से आकर के हमसे टकराती है जिससे कि हमें कोई हार्म नहीं होता, लेकिन भारी ड्रॉपलेट होती तो वो हार्म करती भी है। क्लियर ये चीज। तो उस कंडीशन में जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसी रिलेशन को अगर हम पूरा सॉल्व कर दें, इस रिलेशन को अगर हम पूरा सॉल्व कर दें तो इस रिलेशन को ही सॉल्व करके टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, उसे लिख लीजिए। इस रिलेशन को सॉल्व करके टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है, और वो फॉर्मूला आ जाता है वी इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन म्यू 18 म्यू इंटू वी एस माइनस वी एफ, सॉरी रो एफ माइनस
रो एस माइनस, रो एस नहीं होगा ये वी ही होगा, न्यू होगा ये न्यू, चलो रो ही है, चलिए रो एस माइनस रो एफ, रो एस माइनस रो एफ, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अब अगर यहां से देखिए विस्कोसिटी हम निकालनी चाहें तो विस्कोसिटी हमारी निकल जाएगी म्यू इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 18 वी नॉट रो एस माइनस रो एफ। रो एस का मतलब सॉलिड बॉडी स्फीयर, पाई एफ का मतलब फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ स्फीयर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ स्फीयर यानी जिसका भी वो बना हुआ है, और रो एफ मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिस फ्लूइड में वो गिर रहा है। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट है आप लोग करोगे, ये एक्सपेरिमेंट हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में है, हमारी जो हाइड्रोलिक्स लैब है उसमें ये एक्सपेरिमेंट है। वहां देखोगे एक जगह पे पाइप्स में फ्लूइड भरा हुआ है और उसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हम गिराते हैं, उनकी फिर नीचे रीचिंग वेलोसिटी देखते हैं कितनी देर में ये पूछ पहुंच रही है, फिर उनकी वेलोसिटी निकाल करके एंड देन हम विस्कोसिटी उस फ्लूइड की निकालते हैं। आप लोग करोगे अपनी लैब में ये एक्सपेरिमेंट अगर कराया जाएगा तो, विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट ये एक्सपेरिमेंट हमारी लैब में है, ठीक है। तो ये अब देखिए ये जो कह रहे थे पीछे, अगर इसको डी को आप 2R कर दो यहां तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो ये अपने अकॉर्डिंगली जितना है कट जाएगा, बेसिकली यहां से वो दिखाई देने लगता है, क्योंकि अगर आप लोग रेडियस के फॉर्म में रखोगे उसका फॉर्मूला स्फेयर, ये एक्चुअली इसमें स्फेयर का सरफेस एरिया यूज हो रहा है, स्फेयर का इसमें सरफेस एरिया यूज होगा, जब भी बॉयंसी की जरूरत पड़ेगी तो उसका एरिया निकलेगा, तो इसलिए वो जो तुम्हें याद रहा होगा कहीं से इसलिए वो तुम्हें याद आ रहा, तो बेसिकली दिस इज दी फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी और विस्कोसिटी। तो ये तुम्हें याद रखना है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला स्टॉक्स फॉर्मूला कहलाता है, क्या कहलाता है, स्टॉक्स फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी या विस्कोसिटी, दोनों नाम से पूछा जाता है, स्टॉक्स फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी या स्टॉक्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये आपको याद रखना है। इसमें एक छोटी सी गलती हो गई है, ये पाई है, ये जी है, जी सॉरी दिस इज जी, ग्रेविटी वाला टर्म जी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, दूसरा लिखिए, थर्ड पॉइंट लिखिए, कैपिलरी ट्यूब मेथड, थर्ड पॉइंट है कैपिलरी ट्यूब मेथड। कैपिलरी ट्यूब मेथड ब्रूफिन टैबलेट तो वाकई बहुत अच्छी टैबलेट है, घर से चला हूं उस वक्त खा करके चला था, यहां तक फर्दर था, आप बिल्कुल टमाटर कर दिया, बचपन में सुनते थे, आज बहुत दिनों में पहली बार खाई है, फेज आउट सी हो गई है, कुछ लोग खाते ही नहीं है उसे, नहीं जाने क्यों। ब्रूफिन टैबलेट नाम सुना है, हेडेक की होती है, बहुत दिनों में खाई है हमने, बचपन में खाते थे हम छोटे छोटे थे तब उसका नाम सुनते थे, अब नई नई टैबलेट आ गई ना जाने कौन कौन सी, सस्ती आती है ना वो शायद, अभी भी 1.5 रुपए की आती है। चलिए कैपिलरी ट्यूब मेथड, कैपिलरी ट्यूब मेथड, कैपिलरी ट्यूब मेथड, तो बेसिकली इन सभी क्वेश्चन, इन सभी जो हम चार मेथड बता रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा यही पूछा जा रहा है कौन से मेथड में कौन सा लॉ या कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है टू मीजर द विस्कोसिटी। तो इसमें लिख लिए हैसन-पोएसले इक्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन हैसन-पोएसले, पॉइज़ले इक्वेशन या मेथड, जो कैपिलरी ट्यूब है या इसका ट्यूब से फ्लो हो रहा होगा, कैपिलरी ट्यूब है तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, कैपिलरी ट्यूब है तो उससे फ्लो लेमिनार हो रहा होगा, लेमिनार फ्लो का एग्जांपल कैपिलरी फ्लो ही तो बताए थे हमने, अब लेमिनार फ्लो की स्टडी के लिए कौन सा इक्वेशन है, हैसन-पोएसले इक्वेशन, लेमिनार फ्लो की स्टडी के लिए कौन सा इक्वेशन है, हैसन-पोएसले, दैट्स व्हाई कैपिलरी ट्यूब मेथड कभी कभी ऐसे भी आता था, कैपिलरी ट्यूब मेथड में कौन सा इक्वेशन यूज होता है, हैसन-पोएसले, या हैसन-पोएसले मेथड कहां यूज होता है, कैपिलरी ट्यूब मेथड में टू फाइंड द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इसमें बेसिकली चलिए थोड़ा सा आईडी देता हूं, करते क्या है कि इसमें एक तो स्टैंडर्ड फ्लूइड लेते हैं हम, एक लेते हैं हम स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड को हम फ्लो कराते हैं ट्यूब से,
पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक, फॉर एग्जाम्पल 10 सेकेंड या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड उसको फ्लो कराएंगे, उसका कितना फ्लक्स निकला, फिर दूसरा हम फ्लूड उसमें से फ्लो कराएंगे वो कितना निकला, उनका जो टाइम फ्लो रेट है और फ्लो रेट के रिलेशन में कहीं ना कहीं विस्कोसिटी तुमने देखी होगी कल आ रही थी, फ्लो रेट के इक्वेशन में विस्कोसिटी आ रही थी, तो दोनों को कंपेयर करके हम जो है दूसरे अननोन फ्लूड की विस्कोसिटी जान लेते हैं। यानी इसमें एक स्टैंडर्ड फ्लूड हमें जानना होगा जिसकी विस्कोसिटी हम जानते होंगे और अननोन फ्लूड की विस्कोसिटी फिर हम उससे निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क कर जाता है। कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है फिर एक और इफ्लक्स विस्कोमीटर, एक और है इसी कंसेप्ट पर बेस्ड इफ्लक्स इफ्लक्स विस्कोमीटर जो सबसे ज्यादा यूज होता है लैब्स में, विस्कोमीटर इफ्लक्स। इफ्लक्स का मतलब है फ्लो से, डिस्चार्ज से। इफ्लक्स अगर आपने नाम सुना हो तो इफ्लक्स का मतलब है डिस्चार्ज, जो फ्लुएंट आ रहा है ना। अक्सर ये टर्म यूज किया जाता है जो हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला इफ्लक्स ऐसे कहते हैं, जो उनकी जो गंदगी फ्लो होकर के आ रही है, तो इफ्लक्स का मतलब है जो फ्लो आ रहा है। तो ये इफ्लक्स विस्कोमीटर इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है ये भी कहीं ना कहीं। वहां कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे, यहां सिंपली एक पतली सी ट्यूब सा टाइप की ले लेते हैं हम कोई भी। यहां क्या करते हैं, हम कोई भी ट्यूब ले लेते हैं और सेम मेथड वही कि स्टैंडर्ड फ्लूड को फ्लो कराएंगे फिर दूसरे को फ्लो कराएंगे, दोनों की फ्लो रेट को मीजर करके अल्टीमेटली हम मीजर कर लेते हैं। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, बहुत सिंपल इक्विपमेंट है, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आप मार्केट से खरीदोगे तो 500-600 रुपए का बहुत अच्छा विस्कोमीटर तुम्हें ये मिल जाएगा हमारी सभी लैब्स में। केमिस्ट्री में अक्सर ये पाया जाता है, तुम्हारे यहाँ नहीं है ये, तुम्हारे यहाँ तो स्टॉक्स मेथड से यूज किया जाता है। केमिस्ट्री लैब में ये कहीं भी मिल जाएगा, बहुत सिंपल सा है, सिंपल ट्यूब है। तो लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा, इन दिस मेथड इन दिस मेथड फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज प्रेस्ड प्रेस्ड टू फ्लो थ्रू अ पाइप प्रेस्ड टू फ्लो थ्रू अ पाइप थ्रू अ पाइप TRUGH थ्रू अ पाइप। इसमें क्या है कि इसमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हम दोनों का लेंगे, दोनों का बराबर बराबर वॉल्यूम लेते हैं, उसको फ्लो कराते हैं, फिर उसमें देखते हैं कितने टाइम में कितना कौन सा फ्लो रहा है, फिर उनका मेरे पास तो लिखा हुआ है फॉर्मूला, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं लिखवा रहा, इसलिए कि लिखवाऊंगा तो फिर आप याद भी करोगे और याद करने की उसे जरूरत नहीं, ठीक है। अब इसमें नाम लिख लीजिए कि विस्कोमीटर ये इसमें कौन कौन से हैं, ये लिख लीजिए से बोल्ट विस्कोमीटर, से बोल्ट रेडवुड, ये दो विस्कोमीटर है, एक और नाम है वो और लिख देता हूं कौन कौन से हैं, सेबोल्ट है, रेडवुड है और इंग्लर। ये तीन विस्कोमीटर हैं, इफ्लक्स विस्कोमीटर हैं ये तीनों। ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपके बीई में, इसीलिए ये हमने टॉपिक इतना बड़ा करके आपको पढ़ाना शुरू किया है। एक बार ये पूछा जा चुका है इनमें से कोई सा, कौन सा इनमें जो है विस्कोमीटर है एफ्लक्स टाइप, तो सेबोल्ट, रेडवुड या इंग्लर सभी भाई भाई हैं, एक ही टाइप के हैं, इफ्लक्स टाइप के विस्कोमीटर हैं, ठीक है। कई बार ये पूछा हो जाता है। अब इनकी जो डायमेंशन भी होती है ऐसी ही होती है विस्कोसिटी की, सेबोल्ट डायमेंशन, रेडवुड डायमेंशन, उसको फिर बाद में कैलिब्रेट कर लेते हैं वो लोग, तो उसमें बहुत ज्यादा हमें नहीं जाना है। अब यहां तक अगर कोई आपको कुछ डाउट हो फिर भी तो पूछ सकते हैं, ये सफिशियंट इतना ही है विस्कोमीटर्स का। यानी सबसे पहले तो आपके जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू सब देख लेते हैं रिवाइज करके, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा कि साहब कौन सा इसमें प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है, किस विस्कोमीटर में कौन सा
प्रिंसिपल यूज किया जा रहा है। जैसे कैपिलरी ट्यूब मेथड में कौन सा प्रिंसिपल है? हैजिन पॉइसन, है ना। या दूसरा जो भी है आपका फॉलिंग स्पेयर मेथड में कौन सा प्रिंसिपल है? स्टोक्स लॉ है या स्टोक्स इक्वेशन पर बेस्ड है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बनता है, कौन से में क्या है। एक तीसरा क्वेश्चन जो सबसे यूनिक अलग बनता है टर्मिनल वेलोसिटी का, इसलिए मैंने वो लिखाया है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी होती है व्हेन बॉडी इज फ्रीली फॉलिंग, देन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू बॉयंसी एंड ड्रैग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर बिकम कांस्टेंट। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी एक बार पूछा जा चुका है जो हमने लिखाया है बी के एग्जाम में। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब वो फॉर्मूले को कई तरीके से तोड़ मरोड़ सकता है। हो सकता है कभी वो आर रख दे या डी के फॉर्मेट में पूछ ले, तो वो आप कन्वर्ट उसे करके ही रख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े चलिए।